हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही आसानी से बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। तो ये हमने ले लिया है एक उबला हुआ आलू। आलू को उबाल कर हमने ठंडा कर लिया है, इसको हमें छील लेना है। अगर उबला हुआ आलू पहले से आपके पास मौजूद है ना, यानी कि पहले से आपके पास है, तो आप है ना बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बना सकते हो। तो रात को ना आप आलू को उबाल के रख सकते हो ताकि सुबह सिर्फ आपको बनाने का रहे, वेट ना करना पड़े। तो देखिए आलू भी हमारा पूरी तरीके से छील चुका है। अब हम गैस पर बर्तन में लेंगे एक कप पानी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक चम्मच तेल ऐड करेंगे। अभी हमने दो ब्रेड लिए हैं, तो हमारे पास ये दो ब्रेड बची हुई पड़ी है, तो हमने सोचा आपके साथ आज इसी की रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो ये ब्रेड को हम लेंगे और इसमें डालेंगे। आपके पास ब्रेड के कॉर्नर्स पड़े हुए हैं, बची कुची टूटी फूटी ब्रेड पड़ी हुई है, ऊपर नीचे के ब्रेड जो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं उसको आप ले सकते हो। तो गैस की फ्लेम को हम रखेंगे लो मीडियम पर और ये ब्रेड को हमें इसमें इस तरीके से ही कुक होने देना है। तो पानी की क्वांटिटी है ना ब्रेड के हिसाब से लेना, जितने ब्रेड आप ले रहे हो, जितना नाश्ता बना रहे हो ना, उस हिसाब से ही आप पानी की क्वांटिटी को लेना। तो देखिए धीरे धीरे जो ब्रेड है हमारी पानी में घुल रही है, तो इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे, मिक्स करते जाएंगे और पकाते रहेंगे। तो थोड़ी देर हमने इसको पका लिया है, आप सोच रहे होंगे अभी इसमें और पानी दिख रहा है, तो ये ना इस तरीके से ही हो जाना चाहिए, ब्रेड हमारी मेल्ट हो जानी चाहिए, लेकिन पानी इसमें रहना चाहिए क्योंकि इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे। तो ये हमने लिए है हाफ कप सूजी रवा सेमोलिना, जिस भी नाम से आप जानते हो। तो सूजी को हमें इसमें तभी डालना है जब इसमें पानी हो थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी पूरा सोख हो जाए उसके बाद आप सूजी ऐड करें, फिर उससे क्या होगा सूजी आपकी कच्ची रह जाएगी, उसे इसे पक नहीं पाएगी। तो गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे कर देंगे और चलाते हुए ही इसे पकाएंगे। सूजी तुरंत ही पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए गैस को हमें बिल्कुल भी तेज नहीं रखना है। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो पानी में ना जब हमने नमक डाला उसी टाइम पे आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, या फिर इस तरीके से बाद में भी डाल सकते हो। तो बस इस तरीके से चलाते हुए ही इसे पकाएंगे। और सूजी ना हमें इसमें बारीक वाली लेनी है, अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिक्सर लीजिए और उसमें एक बार ग्राइंड कर लीजिए उसको। तो देखिए मिक्सचर हमारा एकदम डो की तरह हो गया है, तो उतना हमें पकाना है इसको। अब है ना हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे ढककर एक साइड रख देंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत भी अगर सूजी में कच्चापन रह गया हो ना तो वो भी पूरी तरीके से उसके दाने गल जाए। और तब तक आगे तैयारी कर लेंगे। ये हमने ले लिए है दो कच्चे आलू, आलू को हमें छील लेना है। तो ये आलू को हमने छील कर धो लिया है, इसको हमें रफली कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स कच्चे आलू से ना नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है, और आलू का नाश्ता जो है ना वो घर में सभी को बहुत ही पसंद आता है, खासकर बच्चे जो है ना वो आलू खाना पसंद करते हैं। तो बस ये दोनों ही आलू को हमने कट कर लिया है। अब एक मिक्सर जार में आलू को डाल देंगे, इसमें डाल देंगे 5 लहसुन की कली। अगर नहीं खाते हैं लहसुन तो स्किप कर सकते हो, वैसे लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। थोड़ा सा अदरक लेंगे जिसे कट कर लिया है, एक प्याज को कट कर लिया है उसे डाल देंगे, एक हरी मिर्च ले ली है इसे तोड़ के डाल देंगे। ये सभी चीजों को हमें ग्राइंड कर लेना है, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू का अपना मॉइस्चर होता है। तो इसे हमने एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया है, और एकदम फाइन ही हमें इसे ग्राइंड करना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। आधा कप इसमें हम डाल देंगे सूजी रवा सेमोलिना, जिस भी नाम से जानते हो। सूजी हमने इसमें बारीक वाली ली है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आधा कप इसमें हम पानी ले लेंगे, तो जितनी सूजी ली है ना उतना ही हमें इसमें पानी लेना है, तो किसी भी एक बर्तन के नाप से आप ले सकते हो। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, ये हमने थोड़ी सी ले ली है चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून अजवाइन जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है, 1/4 चम्मच डालेंगे कच्चा जीरा, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, 1/2 चम्मच सफेद तिल, सफेद तिल से नाश्ते का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, 1 चम्मच ये हमने कसूरी मेथी ले ली है, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपके पास है ना तो जरूर डालें, थोड़ी फ्रेश धनिया, थोड़े से कट किए हुए कड़ी पत्ता, इसको हम इसमें डालेंगे, इसका भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है तो जरूर डालें इसको, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, और ये सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने गैस पर एक पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ब्रश की हेल्प से लगाएंगे, कुछ ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, सभी साइड अच्छे से लगा लेना है बस। अब जो ये हमारा बैटर है ना इसको हम इसमें डाल देंगे, पूरा बैटर हमें इसमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को लो से हल्का सा ज्यादा रखेंगे,
और इसे हमें चलाते हुए पकाना है। सूजी है ना तो पानी बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, इसीलिए तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है इसको हमें। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाला ये नाश्ता है। आप ट्राई जरूर करिएगा, अगर रेसिपी आपको जरा सी पसंद आती है ना ये, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट से जरूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक जरूर करें। तो देखिए कितना जल्दी इसमें पानी सोख होना शुरू हो गया है, तो ऐसे ही ना चलाते हुए हमें इसे थोड़ी देर पकाना है। तो देखिए इसको हमने चलाते हुए पका लिया है, एकदम डो की तरह हो गया है। तो सूजी को अच्छे से पकाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो इतना ही हमें पकाना है कि एकदम ये डो की तरह हो जाना चाहिए और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहना चाहिए। तो बस इसको हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो नाश्ते के लिए हम बहुत ही मजेदार से चटनी रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमने लिया है 2 चम्मच नारियल का बुरादा, जिसको हमने थोड़ा पानी डालकर सोख कर लिया है। तो ज्यादा देर नहीं करना है, बहुत ही कम, 2 से 3 मिनट ही बस इसे सोख करना है। और आप चाहें तो ताजा नारियल भी ले सकते हो इसके लिए, लेकिन अगर ताजा नारियल तो जो है ना वो हर किसी घर में नहीं होता है, तो इस तरीके से सूखा नारियल है या उसका नारियल का बुरादा है ना, तो उसका इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल टेस्ट जो है ना एकदम ताजे नारियल जैसा ही इसका आएगा। इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च जिसको तोड़ के डाल देंगे, 1/4 चम्मच जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ता, 2 चम्मच भुने हुए चने लिए हैं वो इसमें डाल देंगे। चने का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है इसमें, अगर चने नहीं है तो इसी जगह पे रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हो। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, 1 चम्मच ले लेंगे इसमें हम दही, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए हमारी बहुत ही ज्यादा मजेदार सी चटनी बनकर रेडी हो गई, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनने वाली चटनी है, खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो आप है ना इसको इस तरीके से भी सिंपल खा सकते हो, लेकिन इसमें हम एक मजेदार तड़का भी लगाएंगे। तो ये हमने 1/2 चम्मच तेल को गरम कर लिया है अच्छे से, इसमें हम डाल देंगे सरसों, सरसों चटक गई है, 1 सूखी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, 1 चुटकी हींग और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। तो ये तड़का हमारा रेडी है, इसको हम चटनी में डाल देंगे। तो ये हमारी बहुत ही मजेदार चटनी बनकर रेडी हो गई, तो खाने बेहद स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। आप इसको सिंपल भी खा सकते हो, लेकिन तड़का लगाने से इसका जो टेस्ट है ना कई गुना बढ़ जाता है। तो ये मिक्सचर को हमने ना फैला दिया था ठंडा करने के लिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हमें मसल लेना है हथेली की हेल्प से। देखिए इस तरीके से ना इसे मसल लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट डो की तरह हो जाए और इसको बनाने जब हम ना नाश्ता तो अच्छे से बने। तो इसे ना हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म है, इतना गर्म इसको हमें रखना है कि इसको हम छू सके। तो बस अच्छे से इसे मसल लिया है, ज्यादा देर तक मसलने की इसको जरूरत नहीं है और एकदम डो की तरह परफेक्ट तैयार हो गया है। देखिए एकदम प्लेन चिकना हो गया है। अब है ना इसकी हम एक बड़ी सी लोई लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ी बड़ी साइज की लोई लेनी है। अब इसको हमें बेलना है, तो देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। तो कितना मोटा बेलना है ना आगे इसको बताते हैं, पहले हमें इसे बेल लेना है। तो बस इसको हमने बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है और ये देखिए इतना मोटा रखा है हमने इसे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है और एकदम पतला भी नहीं कर देना है। अब ग्लास की हेल्प से इसे हम कट कर लेंगे, आपके पास ग्लास हो, ढक्कन हो, कटर हो, किसी की भी हेल्प से कर सकते हो। इस तरीके से ना एक साथ बहुत सारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा है ना उसको हम हटा देंगे और इसे दोबारा बेलने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए 1 साथ 4 बन गए, तो इसको एक साइड रख देंगे। इसी तरीके से सभी को बेल लेना है। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब इसे हम डालेंगे, थोड़ा है ना इसको फ्राई होने देंगे। इस तरीके से ऊपर से भी तेल डालते जाएंगे, जितना चौड़ी साइज का बर्तन होगा ना तो उतने ज्यादा आपके एक साथ फ्राई हो सकते हैं। हल्का हल्का इस तरीके से इसको दबाते भी जाएंगे, जिससे नाश्ता है ना हमारा वो अच्छे से फूला फूला बने। और इसे पलटेंगे तो देखिए कितनी अच्छी सी फूल गई है। तो बस इसके लिए ना आपको ना तेल अच्छे से गर्म करना है, तेल अच्छे से गर्म होगा ना तभी एकदम अच्छे से फूले फूले बनेगा। देखिए तो बस तेल से बाहर निकाल देंगे और फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी जल्दी फ्राई होता है। ऐसे ही दूसरे भी कर लेंगे, बस ध्यान रखना कि जब इसको आप डालें ना तो इस तरीके से ऊपर तेल डालते जाए। और देखिए कितने अच्छे से फूल रही है, पलटेंगे और दूसरी साइड भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। तो ऐसे ही सभी को हमें बना लेना है। तो ये जो उबला हुआ आलू हमने छील कर रखा था ना उसको हमें इस तरीके से मैश कर लेना है। यहाँ पे हम फॉर्क की हेल्प से कर रहे हैं, आप हाथों से भी मैश कर सकते हो या फिर मैशर है तो उसकी भी हेल्प ले सकते हो।
तो देखिए ये आलू को हमने पूरा मैश कर लिया है अच्छे से। अभी हमने दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, वो हम इसमें डालेंगे। तो तीखा है ना, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, जिस भी हिसाब से आप तीखा खाना पसंद करते हो या बच्चे खाना पसंद करते हैं। अब ये थोड़ी सी हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, तो ये हमने एक प्याज को बारीक कट करके ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज हमारी छोटी साइज की थी। अब थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम चाट मसाला चटपटी टेस्ट के लिए। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। एक चम्मच इसमें हम डाल देंगे पिज्जा सीजनिंग, तो इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बच्चों को बहुत ज्यादा पिज्जा खाना पसंद होता है, लेकिन अगर आप पिज्जा बाहर से लेने जाते हो तो वो महंगा भी पड़ता है और वो इतना ज्यादा हेल्दी ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैदा बहुत सारी चीज होती है। तो घर पर आप इस तरीके से बच्चों को दे सकते हो। इसमें अगर कोई और सब्जियां डालना चाहते हो ना तो वो भी डाल सकते हो, क्योंकि बच्चे है ना इस तरीके से आप बना के दोगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने सब्जियां खा ली। एक चौथाई चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक चुटकी हींग ऐड करेंगे, स्वाद को भी बढ़ाती है और डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है। साफ हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पिज्जा सीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें है ना सारी चीजें मिक्स होती है। अगर आपके पास पिज्जा सीजनिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है उसे डाल सकते हो, ऑरिगेनो है उसको डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स है उसे डाल सकते हो। तो बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो बस अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया है। ये हमने ले ली है थोड़ी सी मोजरेला चीज, वो हम इसमें डाल देंगे। जो भी चीज आपके पास घर में हो ना वो आप डाल सकते हो, और चीज भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि चीज अनहेल्दी ऑप्शन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, और इसके बगैर भी आप ये नाश्ता बना सकते हो, उसके बगैर भी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों में हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, थोड़ा सा मिक्सचर हम लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको इस तरीके से गोल करते हुए रोल करेंगे। देखिए तो ये इस तरीके से हमने सिलेंड्रिकल शेप इसको दिया है। सभी को इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी है ना बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी आपको जरा से पसंद आती है ना तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक जरूर करें, जैसे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट जो है ना सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये सभी को हमने रेडी कर लिया है। अब जब तक हम आगे की तैयारी करेंगे ना तब तक हम इसको फ्रीजर में सेट होने देंगे। ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है, बस जब तक हम आगे की तैयारी करनी है बस उतनी देर ही हमें फ्रीजर में इसको रखना है। तो ये सूजी और ब्रेड का जो हमारा डो था ना वो ठंडा हो गया है, हम इसे एक बोल में शिफ्ट करेंगे। पूरी तरीके से ठंडा हमें इसे नहीं करना है। हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हमें मसल लेना है, जिससे कि प्लेन सा डो की तरह हो जाए। तो इसको ना हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना होता है, हल्का सा गर्म रखना होता है कि जिससे कि हम इसको टच कर सके। तो देखिए इसको हमने मसल लिया है, डो की तरह ये हो चुका है। अब ये थोड़ा सा डो हम लेंगे इस तरीके से, इसको पहले गोल करेंगे फिर इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे हथेली की हेल्प से। तो इस तरीके से इसको हमने चपटा कर लिया है। आप चाहें ना तो बेल भी सकते हो, हमने हथेली से ही किया है, इतना मोटा इसको रखना है। अब एक पीस को हम लेंगे और इसे इस तरीके से हमें कवर कर लेना है। देखिए तो पूरा इस तरीके से कवर कर लेना है, कहीं से भी ओपन नहीं रहना चाहिए। और फिर इसको हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इसलिए आप बना सकते हो। अगर कोई और शेप देना चाहते हो तो कोई इसे और शेप में भी इसको बना सकते हो। सभी को इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सभी को हमने रेडी कर लिया है। आप चाहे ना तो इस तरीके से बनाकर इसको 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। अगर अचानक से मेहमान आ रहे हैं तो तुरंत आप फ्रिज से निकाले और इसे फ्राई करके दे सकते हो। बच्चों को सुबह टिफिन में देना चाहते हो तो भी झटपट रेडी कर सकते हो। फिर तेल को हमने गर्म कर लिया है, बहुत ज्यादा मात्रा में तेल नहीं लिया है। आप चाहे तो ज्यादा मात्रा में तेल लेकर भी इसे फ्राई कर सकते हो। तो एक एक करके हमें इसे तेल में डालते जाना है। चौड़ी साइज का बर्तन हो गए तो एक साथ ज्यादा तेजी से आप फ्राई कर सकते हो। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसे फ्राई होने देंगे थोड़ी देर। तो थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब इसको हम पलटेंगे। तो इसको ना हमें इस तरीके से अलग से पलटते ही दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। तो देखिए नाश्ते को हमने अलग से पलटते फ्राई कर लिया है, बहुत ही प्यारे से कलर आ गया है और फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बस इसे ना हमें एक एक करके तेल से बाहर निकाल लेना है। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है।
तो बाहर से एकदम क्रिस्पी लगता है, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और कितना ज्यादा चीजी बना है देख सकते हो। तो बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है नाश्ता, तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी जरा से पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।